ऐसे शॉर्टकट्स जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आपको करना है तो आप विद इन सेकेंड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. सपोज आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एट वाई टेन एंड एक्स प्लस वाई होल पार 18, या आपके पास है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए फाइव बी सेवन इन ए माइनस टू बी होल पार 12, और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर वाई ट्वेल्व इन फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब होल पार 6. ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड को यूज करें तो पहले हम फाइंड करेंगे जनरल टर्म, फिर हम फाइंड करते हैं आर की वैल्यू, उसके बाद आर की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे. तो कितना भी फास्ट आप करें आपको 2 or 3 minutes तो मिनिमम लग ही जाएंगे. लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने डायरेक्ट आंसर इसका कैसे फाइंड करना है. तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एट वाई टेन इन एक्स प्लस वाई होल पार 18. ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल. सबसे पहले आप एक्स टू द पावर, यहां पे जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख दीजिए होल पावर 8. ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म है वो आपने लिया 18 से 8 को माइनस किया, ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा 10. ठीक, अब जो यहां पे पावर है उसके साथ n c, n का मतलब है 18. ठीक, यहां पे n के प्लेस पर, और ये जो टर्म है इसको आपने डायरेक्टली ले लेना है यहां पर. सो सिंपल, आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी 18C10 is same as 18C8, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस करें, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आपके पास NCR is same as NCN minus R. तो अगर ये टर्म हाफ से ग्रेटर है तो हम इसको माइनस करके लिख सकते हैं 18 अपॉन 8 और फैक्टोरियल 10. ठीक है, X8Y10, जिस टर्म का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है वो टर्म आप काउंट नहीं करेंगे. दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एट वाई टेन इज सिंपल दिस टर्म. अगर आपके ऑप्शन में इस टाइप के टर्म्स हैं तो आप ये कोफिशिएंट दे सकते हैं. अगर सिंपल नंबर्स की फॉर्म में है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए फाइव बी सेवन. अब यहां पे जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसकी आपने लेनी है पावर सेम, यानी 5, राइट. जो सेकेंड टर्म है उसको आप माइनस भी काउंट करेंगे, और इसके 12 में से 5 आपने माइनस किया, ऑब्वियस है 7. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर लिखा आपने 12, ये लिया c, और जो सेकेंड टर्म की पावर में नंबर है वो आ जाएगा यहां पर. अब हमें सपोज फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ ए फाइव बी सेवन, तो क्या वैल्यू होगी उसकी, 12C7 इंटू में और क्या आएगा, ये टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आएगा, लेकिन जो माइनस टू है इसकी जो पावर 7 है ये कंप्लीट आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ ए फाइव बी सेवन. जिसका कोफिशिएंट आपको फाइंड करना होता है वो टर्म काउंट नहीं करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है. क्या है कि यहां पे x के प्लेस पर क्या टर्म यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हमें x 4 का मल्टीपल फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है. तो x 4 हमें कब मिलेगा, जब हम इस टर्म का क्या लेंगे, स्क्वायर. तो यहां पे आपने पहले क्या फाइंड करना है, 5x स्क्वायर होल पावर 2 इंटू में माइनस 2y क्यूब होल पावर 4, और साथ में क्या ले लेंगे, 6c, ऑब्वियसली दिस नंबर, यानी 4. ठीक है, नाउ कोफिशिएंट ऑफ x4y12 इक्वल्स टू, एक तो आपने इसको सॉल्व करना है, 64 इज सेम एज 62, दूसरा क्या आएगा 5 स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस 2 होल पावर 4, एंड दिस इज योर आंसर. सो सिंपल. ठीक है, तो अगर आप सपोज इस टाइप का कोई क्वेश्चन कंपटीशन में आपको मिलता है करने के लिए तो आपने विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व करने है.
तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।